दोस्तों, आज हम आपको लेके जाएंगे एक ऐसे सफर पर जिसको देखने के बाद आप यहाँ आने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। ये है मुंबई की वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिसको एलिफेंटा केव्स के नाम से जाना जाता है। ये यात्रा इतनी शानदार होने वाली है कि इसमें आप समुद्र के साथ साथ पहाड़ को काट कर बनाई गई 7 गुफाओं को देखेंगे, और इन गुफाओं के अंदर आपको हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं की कई ऐसी मूर्तियां मिल जाएंगी जिनको देखकर आप काफ़ी अचंभित होने वाले हैं, जैसे त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा, अर्धनारेश्वर शिव की प्रतिमा और नटराज शिव की प्रतिमा इनमें से प्रमुख हैं। साथ ही आप प्रत्येक गुफा में देखेंगे शिव जी का शिवलिंग, जो एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। साथ ही यहां पर हैं अंग्रेजों के जमाने की 45 फुट लंबी 2 तोपे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आ गए हैं मुंबई और गेट ऑफ इंडिया से एलिफेंटा के लिए। अब हम होटल में बैठे हैं, आप पीछे देख सकते हैं गेट ऑफ इंडिया होटल ताज। ये बोट सुबह 9 बजे गेट ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स के लिए चलनी शुरू होती हैं, और अंतिम बोट दोपहर 3 बजे तक होती है। अगर आप एलिफेंटा केव्स से गेट ऑफ इंडिया के लिए रिटर्न करना चाहते हैं तो बोट वहां से 12 बजे चलती हैं और शाम के 6 बजे तक बोट कंटिन्यू चलती रहती हैं एलिफेंटा केव से गेट ऑफ इंडिया के लिए। अगर इन बोट की टिकट की बात की जाए तो टिकट है केवल 260 रुपये का, आने और जाने का दोनों टिकट 260 रुपये में ही मिलता है। जैसे जैसे हम गेट ऑफ इंडिया से दूर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं गेट ऑफ इंडिया और इसके आसपास का कितना शानदार नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों है बल्क कैरियर शिप, जिससे इस समय कोयले की डिस्चार्जिंग हो रही है। बाजू में जो आप छोटा सा जहाज़ देख रहे हैं उसको बार्ज बोलते हैं। बार्ज में ये कोयला भर के इस जहाज से दूर जा रहा है, और आप बाजू में देख सकते हैं चलती हुई ये बोट। इसी तरह की बोट से हम लोग जा रहे हैं एलिफेंटा केव्स। और पीछे ये जो आप जहाज़ देख रहे हैं, यह टैंकर शिप जो कि तेल को निकाल रहा है मुंबई में, और ये है टैंकर शिप की जट्टी, जिन जट्टियों के किनारे ऑयल टैंकर जहाज को बांधा जाता है। साथ ही दोस्तों, ये काफ़ी शानदार जर्नी है और लगभग 1.5 घंटा लगता है इस जर्नी को कंप्लीट करने में। अब हम एलिफेंटा केव्स की जट्टी पर पहुंचने वाले हैं। साथ ही ये जो आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं, इन्हें ही कहते हैं एलिफेंटा आइलैंड। और इस बोट के माध्यम से हम पहुँचे थे एलिफेंटा आइलैंड पे, और अब हम यहाँ से सीधा पहुँचेंगे एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स जैसे ही आप पहुँचते हैं, आप देखेंगे आपको इस तरह का छोटा सा मार्केट दिखाई देगा, जहाँ आपको आपके रिफ्रेशमेंट के लिए काफ़ी कुछ मिल जाएगा। और ये है दोस्तों यहाँ चलने वाली टॉय ट्रेन, जिसके माध्यम से हम पहुँचेंगे एलिफेंटा केव्स। इस टॉय ट्रेन के लिए आपको 18 रुपये का टिकट खरीदना होता है। ये टिकट भी आने और जाने दोनों के लिए होता है। ये ट्रेन बहुत धीरे धीरे चलती है, जिसकी वजह से रास्ता काफ़ी सुहावना लगता है। साथ ही रास्ते भर आपको ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं। अब हम बढ़ चले हैं एलिफेंटा केव्स की ओर। ये कुल मिलाकर 120 सीढ़ियां हैं, जिनको चढ़ना सच में काफ़ी मुश्किल होता है। 120 सीढ़ियां मुझे लगता है बड़े बड़े स्टेप्स की वजह से कहते हैं, क्योंकि सीढ़ियां तो काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पर। और अब हम पहुँच ही गए हैं एलिफेंटा केव्स। सामने दीवार पर आप सुनहरे अक्षरों से एलिफेंटा केव्स लिखा हुआ देख सकते हैं। एलिफेंटा केव्स अगर आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप गर्मियों में यहाँ पे मत आइएगा। साथ ही अब हम एलिफेंटा केव्स की गुफाओं के लिए सामने जो टिकट विंडो दिख रही है, यहाँ से टिकट खरीदेंगे। टिकट के लिए इंडियंस को केवल 40 रुपीज़ पर हेड देने होते हैं। अगर आप अंदर वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, उसके लिए 25 रुपीज़ का टिकट आपको अलग से कटवाना होता है। ये देखिए, ये है यहाँ की रेट लिस्ट, जिसमें दर्शाया गया है कितना किस चीज़ का टिकट है। और सामने है टिकट काउंटर, जहाँ से हमने भी परचेज कर लिया है अपना टिकट। अब हम एलिफेंटा केव्स के सामने आ गए हैं। ये है एलिफेंटा केव्स की सबसे बड़ी गुफा, जिसके अंदर आप कई सारे स्तंभों को देख सकते हैं, जिन स्तंभों को एक ही पहाड़ को काटकर बनाया गया है। और इसके अंदर जितनी भी मूर्तियां आप देखेंगे, सारी की सारी इसी पहाड़ की चट्टानों को काटकर यहीं कहीं बनाया गया है। ऐसा नहीं कि इन मूर्तियों को अलग से छुपका दिया गया हो, इसी चट्टान का हिस्सा थी और यहीं पर ही उस ज़माने के लोगों ने इसको छेनी और हथौड़े से काट काट कर इतनी प्यारी संरचनाओं का निर्माण कर दिया है। अगर आप यहाँ पर फिजिकली आते हैं
तो आप इन कलाकृतियों को देखकर, इन आकृतियों को देखकर सच में काफ़ी अचंभित हो जाएंगे, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से इन आकृतियों को बनाया गया है। दोस्तों, केव्स के अंदर वीडियोग्राफी पूर्णतया प्रतिबंधित है, लेकिन आप इन गुफाओं के अंदर फोटोग्राफ खींच सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है शिव जी की त्रिमूर्ति प्रतिमा, जिसका आप फोटो खींच सकते हैं, और ये है शिव जी की अर्धनारेश्वर प्रतिमा। साथ ही ये जो आप देख रहे हैं, ये है शिव जी की नटराज प्रतिमा। पीछे ये एलिफेंटा की गुफाएं हैं, लेकिन इसके अंदर वीडियोग्राफी की परमिशन नहीं है, केवल फोटोग्राफी ले सकते हैं। लेकिन मैंने बाहर वीडियोग्राफी की परमिशन ले ली है, मतलब जहाँ लेंटर नहीं है, मतलब छत नहीं है, वहाँ बाहर निकल के आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन अंदर पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आपको अंदर की फोटोग्राफरों को जोड़कर एक वीडियो बना दूँगा, जिसको आप देख के समझ जाएंगे कि अंदर से एक्चुअल में ये दिखता कैसा है। अंदर है शिव जी की त्रिमूर्ति और अर्धनारेश्वर मूर्ति, और इसके अंदर है शिव जी का शिवलिंग। चलिए अब हम इस गुफा के अंदर भी चलते हैं और करते हैं शिव जी के शिवलिंग के दर्शन। यही है शिव जी का शिवलिंग, जो कि इस गुफा में स्थित है। आप देख सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारियाँ इस बोर्ड पे दी गई हैं। साथ ही यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में टूरिस्ट पहुँचते हैं और मंदिर में आकर शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हमने इस गुफा के दर्शन कर लिए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको अन्य गुफाएँ दिखाते हैं। यहाँ टोटल 7 गुफाएँ हैं, और यहाँ पर 2 अंग्रेजों के ज़माने की तोप भी हैं। इन गुफाओं को इतनी विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है, और आप देख सकते हैं कितना बारीक कार्य यहाँ पर किया गया था, इसलिए ये गुफाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, और इनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया है। अगर आप यहाँ पर मुंबई CST रेलवे स्टेशन से पहुँचना चाहते हैं, तो आप स्टेशन से बाहर निकलकर 216 नंबर बस पकड़कर केवल 5 रुपये में यहाँ पहुँच सकते हैं। साथ ही CST रेलवे स्टेशन के बाहर आपको शेयर टैक्सी भी मिल जाती है, जो केवल 30 रुपीज़ में आपको गेटवे ऑफ इंडिया पहुँचा देती है, और गेटवे ऑफ इंडिया से आप फेरी पकड़कर, यानी कि बोट पकड़कर एलिफेंटा केव्स पहुँच सकते हैं। ये गुफाएँ नहायत ही खूबसूरत हैं, जिसकी वजह से अगर एक बार आप यहाँ पर आ जाते हैं, तो आप काफ़ी अचंभित हो जाते हैं कि किस प्रकार इतने विशाल पहाड़ को काटकर इतने सुंदर सुंदर गुफाओं को बनाया गया, और फिर उनमें इतनी विशाल विशाल मूर्तियों को उसी पत्थर को काटकर बनाया गया, और आज भी ये सुरक्षित हैं, तो ये सच में काफ़ी अचंभे की बात है। साथ ही हमें सैल्यूट करना चाहिए उस ज़माने के लोगों को, कि उन्होंने बिना किसी स्पेशल टूल्स के इतने विशाल पहाड़ को काटकर ऐसी ऐसी गुफाएं बना डाली। आप देखिए, ये अन्य गुफा है, जो कि सेम काफ़ी ऊंचे पहाड़ के बिल्कुल तलहटी में काटकर बनाई गई है पहाड़ को। यहाँ पर भी शिव जी का एक शिवलिंग है, जो कि इसी पत्थर से बनाया गया है। ये देखिए, एक ही पत्थर को काटकर पूरा शिवलिंग तैयार कर दिया है यहाँ पर उस ज़माने के लोगों ने, जो कि सच में काफ़ी आश्चर्य की बात है। अब हम इस क्षेत्र में स्थित अंतिम गुफा की ओर बढ़ चलते हैं। ये गुफा इन स्टेप से नीचे उतरकर दिखाई देती है, और इस गुफा को भी अब हम कवर कर लेते हैं। ये देखिए, काफ़ी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, और इन गुफाओं के दर्शन कर काफ़ी खुश होते हैं। और सामने की यह अंतिम गुफा, जहाँ पर फिलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा है, केवल पहाड़ कटे हुए दिख रहे हैं। अब हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं कैनल हिल, जहाँ पर अंग्रेजों के ज़माने की 2 तोपें रखी हैं। आप देख सकते हैं, ये तोप कितनी लंबी है, इसकी खुल लेंथ है 45 फीट, जो कि सच में काफ़ी विशाल है, और इन तोपों को यहाँ पर किस तरह फिट किया गया होगा, ये भी सोचने का विषय है, क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है और इस तोप का वजन भी बहुत ज़्यादा है। इन तोपों को अंग्रेज़ों ने सुरक्षा उद्देश्य से लगाया था, ताकि अगर दूर से कोई भी बोट इस आइलैंड की तरफ आ रही है, तो ये इन तोपों के माध्यम से उन बोटों को तबाह कर सकें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मुंबई से जुड़े अन्य वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं।